आज मैं यहाँ से सीधे ओला प्रभावित दो जिलों में जा रहा हूं, विदिशा और सागर। लेकिन मैं केवल दो स्थानों पर नहीं जाऊंगा, उन दो स्थानों पर फसलों की स्थिति देखने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूंगा। और मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि फसलों का नुकसान हुआ ये सही है, जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वो चिंता ना करें, मैं उनके साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी। आज फिर मैं एक बार प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है, मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है, मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना, संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है।